पंजाब सरकार वालों माँ बोली नूं समर्पित एक फैसला सुनाया गया सी कि जिन्हें भी पंजाब दे अंदर सरकारी चाहे गैर सरकारी चाहे दुकाना चाहे हट्टियां किते भी जिहड़े बोर्ड ने वो पंजाबी भाषा दे विच लिखने भी बहुत जरूरी ने। इत्थों तक मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा सी कि जिहड़े दुकान वाले जां होर निजी कंपनियां वाले पंजाबी च जिहड़े साइन बोर्ड नहीं लिखवा सकदे तां सरकार खर्चा करेगी, सरकार पल्लों पैसे देगी। लेकिन पंजाब च जिहड़ी मुहिम इस नूं लै के शुरू होनी चाहीदी सी उह हाले तक उस पद्धर दी नहीं होई जिस तरह पंजाब सरकार दी नीयत सी कि पंजाब दे विच दिनां दे विच हर दुकान ते पंजाबी मां बोली च साइन बोर्ड लिखे जाण जां दुकानां दे नाम लिखे जाण। ताजे मामले ने पंजाब सरकार नूं वी कचहरी च खड़ा कर दिता है क्योंकि पंजाब सरकार दा अपना रोल आ, विधानसभा दा अपना रोल आ। लेकिन विधानसभा दे स्पीकर कुलतार सिंह संधवा साहब ने एक साइन बोर्ड की फोटो खिंच के ते पंजाब सरकार ते पंजाब सरकार दे मुख सकत्तर नूं अटैक कर दित्ती है, जिस करके चर्चा का विशा बन चुका कि जिहड़ा सरकार का फर्ज सी कि सूबे अंदर पंजाबी मां बोली की प्रफुल्लता नूं लैके कदम जरूर चुकन की कोशिश की गई है, लेकिन ग्राउंड लैवल पर अमल नहीं होया। जिस दे चलदिआं हुण कुलतार सिंह संधवा स्पीकर विधानसभा ने एक फोटो खिंची आ, फोटो खिंची तो नाल उन्होंने ट्वीट कर दिता, सिर्फ इन्ना लिखिया ये जलंधर का नज़ारा है। अटैक किनू किया गया? चीफ सैकटरी पंजाब ते पंजाब सरकार नू। 15 दिनों के अंदर ये सब कुछ पंजाबी विच होने चाहिए ने। असल च कुलतार सिंह संधवा साहब ने जो ट्वीट किया उस ट्वीट के नाल चर्चा शुरू हो चुकी आ। ये जिहड़ा ट्वीट असल दे विच जलंधर अमृतसर रोड ते हवेली रेस्टोरेंट दे नेड़े एक ईस्ट वुड विलेज बनया आ, उस ईस्ट वुड जिहड़ा विलेज आ उहदी स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने फोटो भी खिंची आ ते उहदे च सारे जिहड़े ब्रांड आ जिहड़े उस बोर्ड ते ने उह अंग्रेजी भाषा च लिखे ने, जिस करके हुण पंजाब दे विधानसभा स्पीकर वल्लों ये ट्वीट किया गया कि 15 दिन दे विच विच ये सारे जिथे अंग्रेजी च लिखे ने उत्थे पंजाबी च भी लिखे जाने जरूरी आ। जलंधर विच हवेली रेस्टोरेंट दे नाल जिहड़े बने ने ईस्टवुड विलेज च उह सारे बोर्ड हुण पंजाबी च लिखे जाणगे, ये फरमान जारी कर दिता पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने कि पंजाबी विच होण दे सरकार नूं फरमान भी जारी कर दिता। ईस्टवुड लगे बोर्ड ते खुद जिहड़ा नोटिस आ खुद विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा वल्लों लिया गया। इस संबंध च उन्होंने एक ट्वीट भी जारी किया, उस ट्वीट दे विच ईस्टवुड विलेज की एक फोटो भी उन्होंने साझी की। विधानसभा कुलतार सिंह संधवा ने अंग्रेजी विच लिखे बोर्ड ते एक उन्होंने अपना इतराज़ व्यक्त किया गा और अपने ट्वीट च चीफ सैकटरी और पंजाब गौरमेंट नूं टैग करते हुए एक सिर्फ एक लाइन लिखी आ कि ये नज़ारा जलंधर का है, सारे बोर्ड 15 दिनों के पंजाबी होने चाहिए ने। उन्होंने बोर्ड को लैके सख्त लहजे च इतराज़ भी दर्ज करवाया, आदेश भी दिते ने। जलंधर का नज़ारा यदा मतलब है कि उन्होंने काफ़ी इतराज़ आ, 15 दिन के अंदर ये सब पंजाबी होने चाहिए मतलब उन्होंने फरमान आ। इस लैके उन्होंने जरा ट्वीट किया उस ट्वीट तो लैके हले चर्चा तो नहीं शुरू हुई, लेकिन विधानसभा के स्पीकर वालों क्या होया ये सब कुछ डीसी नूं जलंधर नूं हुणे कार्रवाई करनी पएगी। हो सकदा कि जे 15 दिन दे विच विच ना होया तो विधानसभा दा स्पीकर जिला प्रशासन नूं तलब भी कर सकदे ने। पंजाब मंत्रीमंडल जिहड़ी फरवरी महीने विच मीटिंग होई सी उहदे च फैसला लिया गया कि सूबे अंदर सारे मॉल ते दुकानां समेत जिन्हें भी साइन बोर्ड ने वह पंजाबी च लगे होने चाहिए ने। इस दे लई बकायदा पंजाब सरकार ने पंजाब शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैबलिशमेंट रूल्स 1958 दे विच सोध करके मंजूरी भी दित्ती सी और ये भी मौजूदा जिहड़े निज़म इहदे है एस्टैबलिशमेंट रूल दे 22 ते 23 ते 24 उहदे नूं शामिल किया गया सी। इस निज़म नूं लागू होण दे विच 6 महीने दे अंदर अंदर सारियां दुकानां नूं जां दुकानदारां नूं पंजाबी च बोर्ड लगाउणे जरूरी ने और पंजाब सरकार ने इस देश दा उलंघन करन ते पहली बार 1000 रुपये जुर्माना, दूजी बार जे कोई उलंघन करेगा तो 2000 जुर्माना लगाया जाएगा। हूँ जिहड़ा कुलतार सिंह संधवा साहब ने ट्वीट किया उस ट्वीट दे नाल चर्चा शुरू हो चुकी है कि आखिर पंजाबी बोली नूं लै के लोग क्यों नहीं ज़्यादा इस मसले दे विच दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और
उस ते हुण जिहड़ा ट्वीट किया गया उस ते रीट्वीट भी होने शुरू हो चुके ने, कई ने मैसेज भी पाने शुरू कर दिते हैगे ने, ते लोकां ने वन सुवन्ने सुनेहे भी दे दिते हैगे ने। कोई किसी ने लिखिया ट्विटर ते ही जिन्हां दा अकाउंट आ गेल अंडरस्कोर सिंह 1984 कुलतार सिंह संधवा नूं उन्हां मुखातब होए ने कि मां बोली पंजाबी लई चंगा कदम चुक लई धन्नवाद, चंगे काम की सिफत जरूर करांगे संधवा साहब, पर होर मुद्दियां वल भी ध्यान दो। एक गौरव शर्मा छिब्बड़ ने लिखा गा वट नैक्सट आईलैट्स पंजाबी विच MBD रैपिड इंग्लिश लर्निंग ते हुण पंजाबी विच। और एक फ्री फॉलकॉन ने लिखा गया ओनली पीपल हु हैव प्रॉब्लम विद दिस आर नॉन सिख, सम सजेसिंग मल्टी नैशनल विल रन अवे फ्रॉम पंजाब, आई डिड नॉट सी ए सिंगल मल्टी नैशनल रनिंग अवे फ्रॉम बंगलौर मुंबई और पुणे। ये सारे लिख लिया एक शगन नाम ट्विटर अकाउंट तो कुलतार सिंह संधवा ने कहा कि लिखा उन्हें ये गुरबाणी ते मोर्चा लगाउण वाले कवि पंजाबी बोली के लिए मोर्चा लगाते हैं, आपने तुरंत जलंधर में एक्शन लिया और 10 साल पावर में जे पंजाब को नुकरे लगा गए पंथ दे अखौती ठेकेदार। ये ट्वीट ते काफ़ी गल्लां शुरू हो चुकी ने, कई ने मुलाजमान ने अपने भी विच लिख दिता गया कि 3 करोड़ की आबादी वाले पंजाब के सरकारी कॉलेजों में पंजाबी दे महज 18 प्रोफेसर हैं तो किवें होएगा आम आदमी पार्टी सरकार का मां बोली पंजाबी नूं प्रफुल्लित करन दा उद्देश पूरा। इसलिए सरकार पहला 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पहल के आधार पर करे। उस सारे ने यह जिहड़ा लिखना शुरू कर दिता गया इस मसले दे विच। और लोगों ने यह भी जानवी के ब्रिम्पटन तो किसी ने ट्विटर अकाउंट तो लिख दिता है सरकार दीयां मशहूरियां जिहड़ियां हिंदी भाषा च दित्तियां ने अखबारां चों लिखे आ सब तां पंजाबी विच नहीं लग रहा, इस बारे भी कुछ विचार करना चाहिए है। एक पंजाब नाम ट्विटर अकाउंट है जे ना होए फिर किहड़ा तुसीं फाने वांगू अड़ जाणा गा। संधवा जी मान साहब ने कहा सी जो पंजाबी लागू नहीं करनगे उन्हां ते कार्रवाई होएगी जो कि अजे तक शुरू नहीं हुई, कृपा करके पंजाबी लागू कर लई सख्त नीति लियाओ ते सख्ती नाल लागू करवाओ। फिर उन्होंने कहा कि जिहड़े आम आदमी पार्टी के ट्विटर अकाउंट तो अंग्रेजी च डेली ट्वीट हो रहे ने, तो रविंदर विरदी ने कहा कि इसका की करिए जनाब। ये सब भी हुण जवाब तलबी हो रही है कि एक पासे तुसी कह रहे कि पंजाबी दे विच होना चाहिए, दूजे पासे जिहड़े आम आदमी पार्टी के ट्विटर अकाउंट तो उत्थे अंग्रेजी भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा। जां हुण सवाल ये जिहड़े खड़े किए ने स्पीकर वालों इस ते हुण देखदे हां कि जिला प्रशासन सिर्फ जलंधर ही नहीं बाकी भी जिहड़े जिला प्रशासन आ सूबे दे जिहड़े वख-वख जिलों के डिप्टी कमिश्नर जां उन्हां दी अगवाई हेठ चल रहा जिला प्रशासन कि वख-वख जिहड़ियां दुकानां जां जिहड़े मॉल्स ने खुले जां जिहड़े होर प्राइवेट अदारे ने उन्हां दे बाहर जिहड़े साइनबोर्ड जां दुकानां दे नाम जां मॉल्स दे नाम ने उह पंजाबी भाषा च लिखदे जां नहीं लिखदे, जां फिर स्पीकर विधान सभा नूं सरकार की सहमति दे नाल जां उह अपने कानून मुताबक कल्ले कल्ले डिप्टी कमिश्नर नूं चिट्ठियां कढ़नगे पंजाब सरकार दे जरिए जां फिर उन्हां नूं तलब करनगे। लेकिन सब तो वड्डा सवाल आ कि जे महाराष्ट्र दे विच सारे दुकानां दे बोर्ड मराठी दे विच आ, जे गुजरात की गल करिए गुजराती चा, असाम च करिए असामी चा, बंगाल च करिए बंगाली चा, कितने तामिल चा, कितने कन्नड़ चा, तो फिर जे पंजाब दे विच जे पंजाबी मां बोली दे विच भी दुकानां दे नाम मॉल दे नाम पंजाबी च लिखे जाण तो कोई गुनाह नहीं आ, पर आखिर पता नहीं क्यों पंजाब दे विच पंजाबी नूं दी बजाए ज़्यादा लोग अंग्रेजी जां हिंदी नूं तरजीह दे रहे ने। हो सकदा कि तिन्ने लैंग्वेज लिखे जाण, लेकिन जे अगर तुसीं महाराष्ट्र दा जां गुजरात दा जां बाकी कर्नाटका जां दक्षणी भारत के सूबियां ते जाओगे उन्होंने अपनी पहली जिहड़ी मां बोली आ वो लिखवाई है, दूजियां भाषा उन्होंने मैटर नहीं कर दियां हैगियां। जिन्हें भी दुकान पर जाना है उन्हें पता होंदा कि कहड़ी दुकान आ, बस ये कि पंजाबी मां बोली वास्ते जिहड़ी प्रफुल्लता नूं लैके लक्ष्मण सिंह गिल तो लैके हुण तक सरकारां जिहड़ियां जतन कर रही ने बदकिस्मती दे नाल उन्हां नूं चंगी नीयत दे नाल अमल दे विच नहीं लिया गया, तां फिर जिहे वार वार ट्वीट होंदे ते ट्वीटां तो बाद फिर पंजाब की जनता सरकारां दी जवाब तलबी भी करती है। देखते हैं 15 दिन का सवाल आ, ट्वीट किते आ हजे 1 दिन भी नहीं होया, 14 दिन दे विच विच देखते हैं कि जिला जलंधर प्रशासन उस कंपनी दे जिहड़ा बोर्ड लगवाया उस ते पंजाबी च लिखे जाणगे मॉल्स दे नाम जां फिर नहीं। फिलहाल देखते हैं
इस मसले दे विच सरकार भी कोई चिट्ठी कढ़दी जां नहीं कढ़दी, तद तक तुसीं देखदे रहो, बने रहो ABC पंजाब दे नाल। धन्नवाद।